कांग्रेस पार्टी की आज लहर चल ही रही है, साथ में धर्म सिंह छोकर की लहर है। खाली विधायक होते हुए जी 2500 नौकरियां लगवा रखी इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ने एक ही नारा दिया और वो झूठा दिया। संभालता का सबसे बड़ा रिकॉर्ड मैंने बनाया 84,000 वोट लेकर पिछले 2000 चुनाव में, और उस रिकॉर्ड को मैं ही अपनी बात करूंगा। यहाँ तो संभालका में कभी आज तक बीजेपी ना बनी, आज तक ना बनने देंगे। जब आंधी थी बीजेपी की 14-19 में, तो जब नहीं फूंक खिला पाए, अब तो मतलब भी कैसे। आपने मीडिया सुना होगा, 25,000 वोट आएंगे, हम उनका हक नहीं रखते किसी का, उनको भी देंगे, जो बची उसको दे देंगे। नमस्कार। कांग्रेस ने जिन प्रत्याशियों की सूची जारी करी उसमें एक संभालका सीट भी है। धर्म सिंह छोकर पे तीसरी बार कांग्रेस ने दांव खेला है, उससे पहले भी ये यहाँ से कांग्रेस के विधायक थे। इन पर कई तरह की एजेंसियों की कार्रवाई चल रही थी। बीजेपी इस बात को लेकर कई बार प्रहार भी कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र हुड्डा के करीबी होने की वजह से इनको चुनावी मैदान में उतारा। आज ये टिकट लेकर संभालका पहुंचे तो मंडी में और इनके कार्यालय में इनका जोरदार स्वागत किया। इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक और ऐलान किया कि ज्यादा कुछ शोर नहीं करेंगे, सिर्फ एक रैली करेंगे और एक नामांकन के दिन भीड़ दिखाएंगे। समय बचाना है, 25 दिन बाकी हैं। अपने तमाम कार्यकर्ताओं को जिस तरह से इन्होंने निर्देश दिए हैं उससे इनकी एक एक टिकट पर नजर है। दो गुजरों की भिड़ंत है, भारतीय जनता पार्टी से मनमोहन भडाना और कांग्रेस से धर्म सिंह छोकर। ये दंगल, ये भिड़ंत किस तरह की रहेगी, ये आने वाले समय में तमाम तरह के राजनीतिक नजारे देखेंगे। और लगातार इस सीट पर हम काम कर रहे हैं और हमारी नजर भी है, कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। छोकर साहब अभी बिजी हैं, जब तक सुमित हमारे साथ है, मैं सुमित को लंबे टाइम से जानती हूँ, कांग्रेस में ये भी दावेदार हैं पानीपत से, मुझे नहीं पता इनको टिकट मिलेगी कि नहीं। सुमित भाई, बड़ी भीड़, बड़ा जोश लग रहा है आज आपकी यहाँ कांग्रेस पार्टी की, जो टिकट लेकर आए हैं धर्म सिंह, क्या कहेंगे? धर्म सिंह छोकर जी का एक अपना खुद का अपना रुतबा है, इनकी फैन फॉलोइंग है, और कांग्रेस पार्टी की ताज लहर चल ही रही है, साथ में धर्म सिंह छोकर की लहर है। और लोगों को इनको वादा किया है, पिछली बार इनके पास 84,000 वोट आई थी। अच्छा। इस बार इन लोगों ने, पूरे हल्के के लोगों ने इनको विश्वास दिलाया है, 25,000 वोटों से आपको जितवा कर हम विधानसभा में भेजेंगे, चंडीगढ़ भेजेंगे। ऐसी कौन सी बात होगी कि 84 से आप 25,000 पे चली जाएगी? इन्होंने संभालके के लिए काम किए हैं, 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया है, ITI बनवाई है, कई सारे स्कूलों को अपग्रेड करके 12वीं क्लास का बनवाया है, कॉलेज बनवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, काम के विकास के। और एक खाली विधायक होते हुए जी 2500 नौकरियां लगवा रखी इन्होंने, तो वो उन चीजों पे लोग मोहर लगा, काम के दम पे अपने ये बोल रहे हैं। महिलाएं हैं, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, और संभालका में मैं लगातार कवर कर रही हूँ, महिलाओं की टीम मुझे नजर नहीं आई थी, आज नजर आई है। यहाँ महिलाओं की टीम नहीं होती, ये तो आपने आज देखा, लेकिन हम तो जिस दिन शुरू भी नहीं हुआ था उस दिन से फील्ड में हैं, अभी फील्ड से ही आए हैं हम। तो किसी पद पे हैं या सिर्फ पार्टी संगठन से जुड़े हुए? नहीं, हमारा भी संगठन है देश के स्तर का, महिलाओं का अपना, हमारा जो परियोजनाएं हैं आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील, वो परियोजनाओं का हमारा भी संगठन है, लेकिन अभी मैं कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ। जिला अध्यक्ष संतोष रावल जी। जी, तो क्या लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है जी, महिलाओं की वोट कांग्रेस में जाने वाली है सभी। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि लखपति दीदी बना दी, करोड़पति दीदी बना दी, कौन सी भारतीय जनता पार्टी की स्कीम है कि बहुत करोड़पति और लखपति दीदी? भारतीय जनता पार्टी ने एक ही नारा दिया और वो झूठा दिया। एक नारा क्या दिया, यहीं से आके मोदी जी ने नारा दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पढ़ी लिखी हमारे पास करोड़ों महिलाएं परियोजनाओं में है, वो बचाई नहीं एक भी, मारी है घिसाड़ घिसाड़ के रोडों पे। कोई प्रदर्शन लेके गया वहाँ पे पिटाई की, कोई मांग सुनवाने के लिए गया वहाँ पे पिटाई की, दरवाजे के अंदर तक नहीं जाने दिया। कौन सी महिला बचाई है, मेरे को एक एक महिला का प्रूफ दे दो आप। अच्छा, विनेश फोगाट को भी कांग्रेस ने जुलाना से, फोगाट को भी इसी तरीके से, हमारी जो खिलाड़ी बेटियां हैं उनको भी इसी तरीके से, हमारी डॉक्टर जो अभी कलकत्ता का केस आपने देखा होगा, इसी तरीके से 3-3 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, 80 साल की महिला सुरक्षित नहीं है। तो क्या किया है बेटी के लिए, एक तो एक चीज तो बताए मोदी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया। ये महिलाओं का है, बिल्कुल महिला मुद्दे पर ही महिलाओं ने अपनी बात रखी। अभी मैं
थोड़ी सी देर में छोकर साहब 2 मिनट में 1 मिनट में फारिग हो जाएंगे, हम उनसे भी बात करते हैं। आज वो टिकट लेकर पहुंचे, टिकट लेकर धर्म सिंह छोकर संभाल का पहुंचे। अभी मैं बात भी कर रही थी, इतने सारे लोग इनके साथ आए हुए, एक तो जानने की ये कोशिश करते हैं छोकर साहब ये कितनी बार में टिकट लेके आए हैं आप कांग्रेस की, कांग्रेस की फर्स्ट सेकेंड थर्ड टाइम लेके आए तो इस बार आपको लगता है कि बहुत अच्छा माहौल है और भूपेंद्र हुड्डा ने आप पर भरोसा भी जताया है। भाजपा का एक आरोप है कल से कि जिन पर कार्रवाई चल रही है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पार्टी लड़ाई लड़ रही थी, वो आज उन भ्रष्टाचार से आरोपों के लोगों को टिकट दे। देखिए जहां तक इस बात में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, मेरी जहां तक बात, मेरा कोई आरोप नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा किसी आज तक किसी अफेयर में नाम नहीं है। बट ये जो कहने की बात हो, ये तो जनता जिसको चाहती है और जो सर्वे में पार्टियां सर्वे आता है, सर्वे के आधार पर, मेरिट के आधार पर हाई कमान और लीडरशिप फैसला लेती है, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई कुछ के पास कोई धरने देता है, कोई अपनी शक्ति प्रसन्न दिखाता है, इसे को फर्क पड़ता है। जहां तक कांग्रेस हाईकमान ने मुझे विश्वास जताया और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से जनता की तरफ से, हमारा जो समालखा विधानसभा क्षेत्र पे जो हाईकमान ने विश्वास, मैं उस विश्वास पर खरा उतरूंगा। और मेरे 2019 में जब तक हरियाणा बना, चुनाव हुए, समालखा का सबसे बड़ा रिकॉर्ड मैंने बनाया 84,000 वोट लेकर पिछले 2 चुनाव में, और उस रिकॉर्ड को मैं ही अब की बात तोड़ूंगा कि 1.25 लाख वोट लेकर। मुझे अंदाजा है, वो फिगर तो फिक्स तो मेरे पास है नहीं, बट इतना जरूर जनता का जुनून जो देख रहा हूँ वो जनता ही कह रही है, मैं तो कह नहीं रहा, जनता वोट देनी है, देने वाले कह रहे हैं 1.25 लाख देंगे तो मुझे क्या आपत्ति है, मुझे खुशी होगी। तो उसका रिकॉर्ड अपने रिकॉर्ड मैं ही बनाऊंगा और अपना बना रिकॉर्ड मैं ही तोड़ सकता हूँ, और पार्टी का तो सोचो को सोच नहीं सकते। शेरशाह सूरी मार्ग कांग्रेस के लिए एक तरह से सूखा सारा है, आपको छोड़ के कहीं जाके शाहबाद जाके एक सीट हो रहा है, इस बार क्या लगता है कि जीटी रोड बेल्ट कांग्रेस पे भरोसा जताएगी? पूरी देखो जीटी रोड बेल्ट पे पूरा कांग्रेस पार्टी की सीटें आएंगी। पहले ये सही कह रहे हैं आप, चंडीगढ़ से दिल्ली तक ऑन जीटी रोड, मेरा एक ही कांग्रेस का विधायक था, बाकी बीजेपी के थे। देखो मैं पहले तो अपनी बात कहना चाहूंगा, यहाँ तो समालखा में कभी आज तक बीजेपी ना बनी, आज तक ना बनने देंगे। अच्छा, कमल का फूल खिला नहीं? कभी नहीं खिला आज तक, 70 रिकॉर्ड इतिहास है यहाँ का। यहाँ तो उम्मीदें भूल जाए बीजेपी, यहाँ तो एक्सरसाइज करना, मेहनत करना, कोई भी मैं कुछ आंधी थी बीजेपी की 14-19 में, तो जब नहीं फूल खिला पाए, अब तो मतलब भी कैसे। तो मुकाबले में गुजर हैं, दो गुजरों की टक्कर होनी है यहाँ, मनमोहन बड़ाना भाजपा से और कांग्रेस से धर्म सिंह छोकर, क्या लगता है इस बार गुजर समाज की सोर जाने वाला? सत्ती बिरादरी है, कोई एक जाति से कोई नहीं बनता, ये तो नहीं बनता, लेकिन यहाँ एक बहुल्य है आपके समाज का, सबकी नजर रहती है। नहीं, सभी जातियाँ किंग मेकर होती है आपकी? नहीं, नो, सभी जातियाँ हैं, ठीक जाता, मैं जाता गुजर जाति वोट बैंक है, मैं कोई दूर आई नहीं है, बट जाता का सत्ती बिरादरी का मुझे समर्थन है, हर बिरादरी मेरे साथ है। पहली बात, जाति में विश्वास नहीं करता मैं जाति वाद के धर्मवाद के डेडली खिलाफ हूँ, हार या जीत हो इस बात की कोई परवाह नहीं है, बट मैं सत्ती जाति को साथ लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ती बिरादरी की पार्टी है, गरीब की अमीर को बराबर देख के चलती है, वही हमारा कल्चर है। तो उसके बात को देखते हुए मैं कभी ये नहीं सोचता जाति मेरे को, सत्ती बिरादरी ब्राह्मण मेरे साथ है, जाट गुजर छत्ती बिरादरी ओबीसी ऐसे डोडा पीटते हैं सब मेरे साथ, मैं खुद ओबीसी हूँ। सर, कांग्रेस पार्टी बड़ा दावा कर रही है कि सर्वे और मेरिट के आधार पे दिए, जबकि भूपेंद्र हुड्डा यहाँ आए और ये कहकर चले गए कि इस बार कितनी सीटों से कितनी वोटों से जिताओगे, फिर सर्वे और मेरिट कहाँ पे? और सर उन्हें अंडर सर्वे कराते हैं क्या? एक स्टेट की लीडर 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और वो स्टेट के विपक्ष के नेता भी है, विधायक के नेता भी है, क्या उनको इतना आइडिया लगी? चुनाव के बहुत नजदीक है, पूरा सर्वे तकलीफ हो चुका है, उन्होंने आइडिया ले लिया था। ऐसा बड़ा इतना बड़ा लीडर कभी ऐसे नहीं कहता है मुझे इसको जिताओ, को पुकारना होगा तुमने कहा कितनी वोट जिताओगे, दीपेंद्र हुड्डा क्या इतनी वोट जिताएंगे, वो आश्वस्त हैं अभी सीट जीतेगा धर्म सिंह छोकर, इसलिए मेरा नाम रिकमेंड किया और राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से उन्होंने मेरी बात को हुड्डा से रिकमेंड किया और राहुल गांधी ने उसको अप्रूव कर दिया। सर, अभी चुनाव तो आ गया, आज शुरुआत कर दी गणेश चतुर्थी है, मुकाबला वैसे किससे? देखो मैं कह रहा हूँ अभी ये कहने का मुकाबला, जनता कह रही है 1.25 लाख वोट मेरे को देंगे तो बच्ची उसको दे देंगे मुकाबले के मतलब किसी को मुकाबले में मान ही नहीं। मैं कोई नहीं हूँ, जनता से पूछो, आपके सामने खड़ी है, मैं तो ये कहूंगा, मैं नहीं कहता, आपने मीडिया सुना होगा, 1.25 लाख वोट आएंगे,
हम उनका हक नहीं रखते किसी का, उनको भी देंगे तो बच्चे उसको दे देंगे। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।